सीतापुर के हर वर्ग का उत्थान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता। मैं पवन सिंह चौहान सीतापुर विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी पद का प्रत्याशी आप सभी मतदाताओं के सहयोग और आशीर्वाद का आकांक्षी। देश एवं प्रदेश के विकास में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में मेरी रणनीति शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार पर केंद्रित होगी। मैंने राजनीति में शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में बड़ा काम करने के उद्देश्य से पदार्पण किया है। दो दशक से सीतापुर मेरी कर्मस्थली है। यहाँ की माटी से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। मैं एक जनसेवक के रूप में समस्त दायित्वों का निर्वहन करूँगा। आपका अपना पवन सिंह चौहान। आए दिन विवादों और सुर्खियों में रहने वाले महंत बजरंग मुनिदास का एक विवादित बयान सामने आया है। बड़ी संगत आश्रम खराबाद के महंत बजरंग मुनिदास ने महिलाओं को खुलेआम उठाकर बलात्कार का बयान दिया है। इस विवादित बयान के सामने आने से नया बखेड़ा खड़ा होने की आशंका के चलते पुलिस महकमा भी सशंकित और अलर्ट हो गया है। वीडियो की सत्यता की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस अफसर अब महंत पर कार्रवाई की तैयारी भी करने लगे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इन विवादित बयान के वीडियो की आइडिया पुष्टि नहीं करता। दरअसल ये वायरल वीडियो नवरात्र के प्रथम दिन का बताया जा रहा है। खैराबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम के जुलूस में महंत बजरंग मुनिदास द्वारा ये विवादित बयान देने की बात सामने आई है। इस विवादित बयान के दौरान पुलिसकर्मी भी जुलूस में मौजूद थे। पहले आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो, सुनिए महंत बजरंग मुनिदास का बयान जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस कार्यक्रम में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस कार्यक्रम में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी। गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। खैराबाद के इंस्पेक्टर ने मामला आला अफसरों के संज्ञान में डाल दिया है। वायरल वीडियो की जांच शुरू हो गई है। पुलिस अफसर जल्द ही इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।